हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है टफ क्वेश्चंस ई सॉल्यूशंस चैनल पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाइए। और अब हम आज बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, जो 21 जून को होने वाला है और ये पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इसके बारे में जो कुछ हमें जानकारियाँ हैं इससे आपको साझा करते हैं। तो ये सबसे कब शुरुआत इसकी हुई, इसकी शुरुआत साल 2015 से हुई। और इसे कैसे मनाते हैं, तो ध्यान, योग और लोगों को इसके बारे में जागरूकता करते हैं। और भारत में इसकी जो मेन देख रेख होती है वो आयुष मंत्रालय करता है। और आपको बहुत ही जान के आश्चर्य होगा कि जो 2015 में इसकी जब शुरुआत पूरे विश्व में की गई, तो जो इसका आह्वान देश था वो भारत थे, मतलब हमारे देश से ही इसकी शुरुआत की गई। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इसके बारे में हम कहते हैं, थोड़ा पूर्व में जाते हैं कि जब इसका सर्वाधिक प्रचार स्वामी विवेकानंद ने किया। और इसके बाद जब उन्होंने प्रचार किया तो प्रत्येक वर्ष ये 21 जून को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में और योगों की जो योग के अलग अलग आसन होते हैं उसके साथ लोग इसको आधा से एक घंटा अपना कहते हैं इसमें समय देते हैं और सारे आसन अपना प्राणायाम के रूप में करते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई 27 दिसंबर 2014 को, तो जो मोदी साहब हैं उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया और इसमें लगभग 193 देशों के जो लोग थे वो इसमें शामिल हुए। तो अब हम जानते हैं कि ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। साथ में इसमें जो इसका जो लोगो है, मतलब जो उसको लोगो कैसे दिखाना चाहिए, तो इस पर इसलिए लोगों के लिए इसमें हरे, भूरे, पीले और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ में रंग अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये मतलब है मेन जो इसमें कहते हैं, आपका इसमें जो लोगों में चीज़ होती है कि योग फॉर हार्मनी एंड पीस लिखा रहता है, जिसके मदद से कि मतलब सब जगह शांति कायम रखे रही जाए। तो अब हम आगे कहते हैं इसकी थीम की बात करते हैं कि 2021 में इसका थीम क्या रखा गया। इसका बी विद योग एंड बी एट होम रखा गया, ठीक है, ये इसका लोगो है। तो अब हम कुछ प्राणायाम, कुछ आसनों के बारे में हम जानते हैं कौन कौन से आसन हैं। तो पहले तलासन है, तो इसमें सीधा खड़े होकर अपना पूरा वजन पंजों में डालते हैं और एड़ी के ऊपर उठते हैं, इस स्थिति को दोहराते हैं और इस स्थिति में कुछ देर खड़े रहते हैं और होल्ड करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद पाद हस्तासन, खड़े होकर सीधे खड़े होकर आगे बढ़ना होता है और घुटने मोड़े बिना अपने पैरों के अंगूठे को छूना होता है। काफ़ी कठिन भी होता है, सब लोग नहीं कर सकते इसको। और शीर्षासन होता है, सिर के बल खड़ा हुआ जाता है, काफ़ी कठिन आसन होता है। त्रिकोण आसन होता है, त्रिकोण बनाया जाता है अपने हाथ पैरों से, पैरों से। वृद्धासन, इसमें क्या होता है, दोनों पैरों को मोड़ कर देखिए हड्डी को सीधा रखकर अपने हाथों को घुटने पर रखते हैं। इसके बाद सर्वभासन, इसमें पेट के बल लेटा जाता है एवं पैर और हाथों को सीधे हवा में छोड़ कर रखा जाता है। धनुषासन, इसमें पेट के बल पर लेट कर हाथ और पैरों को पकड़ा जाता है, ये धनुष का काम होता है। तो कई प्रकार के इस तरह के आसन होते हैं। इसके बाद भुजंग आसन होता है, इसमें उल्टा पेट पर लेटा जाता है, झांग घुटने एवं पैरों के पंजे सभी जमीन पर होते हैं और शरीर के आगे का हिस्सा हाथों के बल पर ऊपर की तरह उठाया जाता है। इसमें हाथों कुहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से मतलब कुछ हमने आसनों के बारे में आपसे डिस्कस किया कि इस तरह से मनाया जाता है। ऐसे ही कई आसन हैं जिनको आप सीख सकते हैं, रोज़ाना करना चाहिए। आसान, दुबले एवं पतले सभी लोग इसको कर सकते हैं, इनकी हितकारी है। बाकी जिनका वज़न ज़्यादा है वो इन आसनों के माध्यम से अपना वज़न कम कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो शरीर होता है वो लचीलापन हो जाता है और आप जैसा अपना शरीर अपने मुताबिक चाहते हैं वैसा बन जाता है। अब चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उद्देश्य है उसके बारे में जानते हैं। योग दिवस की घोषणा के पीछे एक ही उद्देश्य है, धर्म जाति से ऊपर उठकर समाज कल्याण के लिए एक शुरुआत करना। योग से जीवन के हर क्षेत्र में लाभ, इससे कई तकलीफों का अंत होता है। अतः सभी धर्म एवं जाति में योग के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ योग के जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपने देखा ही। तो मेन जो बेनिफिट्स में इसमें आते हैं वो आपका जैसे फिटनेस हो गया, ठीक है। तो योग से शारीरिक तंदुरुस्ती आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है। इससे मन शांत रहता है एवं तनाव कम रहता है। साथ ही शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। योग से जीवन के सभी भाव नियंत्रित होते हैं, जैसे सुख दुख, ठीक है, शरीर स्वस्थ रहता है। इससे योग से शरीर का ब्लड प्रेशर का प्रभाव नियंत्रित रहता है। साथ में शरीर चुस्ती आती है, जो कि हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालती है, जिससे शरीर के विकार दूर होते हैं।
और रोगियों को इससे आराम मिलता है। साथ ही सकारात्मकता का भाव प्रभावित होता है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, वजन कम होता है। योग से सबसे प्रभावशाली विधि है सूर्य नमस्कार, जिससे शरीर में लचीलापन आता है, रक्त का प्रभाव अच्छा रहता है, शरीर की अड़चन जकड़न में आराम मिलता है। योग से वजन नियंत्रित रहता है, जिनका वजन कम है वह बढ़ता है और जिनका अधिक है वो कम होता है। वह चिंता का भाव कम होता है, जो आजकल मेन समस्या सबके सामने है। योग से मन एकाग्रचित रहता है, इसमें शीतलता का भाव आता है और चिंता जैसे विकारों का अंत होता है। योग से गुस्सा कम आता है, इससे ब्लड प्रेशर निर्धारित नियंत्रित रहता है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बना रहता है, मानसिक शांति मिलती है। योग से मन शांत रहता है, दिमाग दुरुस्त रहता है, जिससे सकारात्मक विचार का प्रवाह होता है। सकारात्मक भाव से जीवन का नजरिया बदल जाता है। इंसान को किसी भी वस्तु, अन्य इंसान या जानवर से कुछ गलत नहीं दिखाई देता, किसी के लिए मन में भाव नहीं रहता। इस तरह योग से मनुष्य का मनोविकास होता है, मनोबल बढ़ता है, साथ में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, शरीर लचीला बनता है। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह से मनाया गया था, और ये तब उसमें करीब 84 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और बहुत ही विशाल काय योग का प्रदर्शन हुआ था, जिसे कहते लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी प्रवेश दिया गया। साथ में जो कहते बाबा रामदेव हैं, ये भी इसका प्रचार करते हैं और ये 25 साल से लगभग इसके महत्व को वो दर्शा रहे हैं, और ये योग इतना प्राचीनतम है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। तो भारत को योग का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने योग सूत्र लिखा था जो लगभग 200 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी कहते हैं इस जो ये पर्व आएगा इसको बहुत धूमधाम से मनाएंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो अब इस वाक्य इस पूरे वाक्यांश को खत्म करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार घर में ही योग मनाएं, इसका जो मेन थीम है बी विथ योग, बी एट होम, बी विथ योग एंड बी एट होम, इसका जो मेन थीम है 2021 का, इसको पालन करिए, कोरोना वायरस से बचते रहिए और अपने घर में इसको कहते हैं सभी कहते हैं जितने बुज़ुर्ग हैं या जवान लोग हैं या बच्चे हैं सबके साथ मिलकर इसको आराम से धीरे धीरे करिए, कि किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी ना हो, और इसको रेगुलर करिए कि जिससे कि आप सब प्रकार के जो योग के जो फ़ायदे हैं उसको आपके अंदर आएँ। तो ये मेरा चैनल कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और सभी लोग प्रसन्न रहें और कोरोना से दूर रहें, यही मेरी आशा है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय व्यूअर्स।